दोस्तों, वैसे तो मेरे चैनल का कंटेंट आपको पता है कि मोस्टली जो है वो मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ का डिफरेंसेस और इन सब चीज़ों पर बात करता हूँ। लेकिन यार, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है मूवीज़ भी हैं। तो शाहरुख खान की बहुत बड़ी मूवी आने वाली है पठान, सब बहुत ज़्यादा उसके लिए जो एक्साइटेड है। तो मैंने सोचा यार, एक छोटी सी वीडियो बना के अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ इससे पहले कि वो रिलीज़ हो, वरना मुझे ये अफसोस ही रह जाएगा कि यार मैं पहले भी यही सोच रहा था और मैं गलत था या सही था। वो प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं होगी या कोई एटलीस्ट एक वैलिड एविडेंस नहीं होगा। तो ये मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाऊँ, एक वैलिड एविडेंस अबाउट माई प्री रिलीज रिव्यू ऑफ पठान, कि मुझे कैसा लग रहा है ये मूवी कैसी होगी। अच्छा, सबसे पहली बात ये, शाहरुख खान का बिग फैन, लाइक मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, तो लाइक शाहरुख खान इज ऑलवेज माई फेवरेट एक्टर, बाकी सब उसके नीचे ही आते हैं मेरे लिए। दैट्स लाइक यू नो, मैं ये बात क्लियर कर दूँ अपना रिव्यू देने से पहले। अच्छा, शाहरुख खान का मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा जिसमें शाहरुख खान ने कहा कि मैंने इसके जो रिसेंटली अभी टाइम में उसकी कुछ मूवीज रिलीज हुई, तेरा वो मूवीज वो थी जो उसको बनानी थी, जो शाहरुख खान बनाना चाह रहा था। लेकिन इस बार जो मूवी इसने बनाई है पठान, वो वैसी बनाई है जैसे इसके फैंस चाह रहे हैं। तो उसने ये मूवी मोस्टली अपने फैंस के लिए बनाई है। अब मैंने जो शाहरुख खान की लास्ट मूवी देखी जीरो, वो वैसे तो बॉक्स ऑफिस में कोई शायद इतना बिजनेस कवर नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि जीरो इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ शाहरुख खान। जीरो मूवी के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस मूवी को रीमेक नहीं किया जा सकता, वो मूवी उससे अच्छी नहीं बन सकती। दैट्स लाइक द बेस्ट मूवी, उसकी छोटी छोटी विटीनेस एंड एवरीथिंग, आई जस्ट लव इट। अब हम इस बात करते हैं कि भाई पठान जो आ रही है उसमें क्या रिव्यू है मेरे। यार पठान जो है ना, एक बहुत कमर्शियल मूवी है। अब शाहरुख खान ने कमर्शियल मूवी बना दी, उसमें 220 मिलियन है जितने भी उसने लगा दिए, जो भी प्रोडक्शन और थी। लेकिन यार, आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द स्टोरी लाइन जो दिख रही है अब तक। आई मीन यार, ऐसी कोई 50 हम लोग पहले भी मूवीज देखी हुई हैं और VFX वगैरह भी मैंने उसके देखे, तो मुझे जो है ना वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि यार ये VFX जो है ना वो शाहरुख खान की मूवी को जस्टिफाई कर रहा है। आई नो कि यार VFX पे पैसा कम लगाया है, इतने कम बजट में ऐसे VFX लाना भी मुश्किल है। आई नो इट्स एन अचीवमेंट, बट यू नो, आप ओवरऑल एक मूवी की बात करते हैं ना, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वो जो है मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार मुझे नहीं लग रहा कि ये मूवी जो है ना बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगी, या हो सकता है बॉक्स ऑफिस पे हिट भी हो जाए। क्योंकि यार शाहरुख खान की मूवीज हिट हो ही जाती है क्योंकि लोग उसको देखने चले जाते हैं। मैं जाऊँगा, मैं उसी को देखने जाऊँगा, दो मैं जानता हूँ कि वो शायद इतनी अच्छी मूवी ना हो, मैं शाहरुख खान को देखने जाऊँगा। उसके फैंस ऐसे ही हैं, वो उसको देखने चले जाएंगे, उसकी मूवी हिट भी हो जाएगी। लेकिन वो मूवी अच्छी होगी या नहीं होगी, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वो मूवी शायद इतनी अच्छी ना हो, जैसे जीरो मूवी हो सकता है इतनी हिट ना हुई हो लेकिन अच्छी मूवी थी। आई कैन यू नो हाँ वाउच फॉर इट। तो ये मेरा यार पठान के बारे में, अगर आप उसके VFX देखें। और एक तो ये यशराज स्टूडियोज ने स्पाई यूनिवर्स का इतना बड़ा लोगो लगा के लोगों को पहले ही एक तरह से हिंट दे दी कि इसमें कैमियो होगा, जो पहले स्पाई गुजरे हैं, जो आज अभी तक न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि वो सलमान खान और वो ऋतिक रोशन होंगे। तो ये अगर हमें ना पता होता तो ये बहुत बड़ा वाव फैक्टर होता। जो लोग नहीं देखने जा रहे थे, वो जब ये सुनते कि यार इसमें ये दोनों एक्टर भी कैमियो देने आए, तो उनके लिए बड़ा एक वाव फैक्टर होता। लेकिन अब ये न्यूज ऑलरेडी आउट हो गई है, तो एक वो वाव फैक्टर, वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया। तो ये भी एक मुझे चीज़ सही नहीं लगी पठान के लिए। तो दोस्तों, ये है मेरे पठान के रिव्यूज। जैसा मैं कह रहा हूँ कि सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा उसके अंदर, और VFX इतने अच्छे नहीं है, स्टोरी लाइन मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। ऊपर से ये जो दीपिका पादुकोण का जो सॉन्ग था, जिसमें उसके कपड़े जो है थोड़े वो फैमिली वाइड एक्सेप्टेबल जी नहीं है उनकी, तो यू नो, आप अपने बच्चों के साथ देखने में जाते हुए थोड़ा सा जो है वो अवॉइड ही करेंगे। बिकॉज मैं एटलीस्ट मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे ये चीज़ें देखें, मैं अपनी वाइफ के साथ ही देख लूँ, यही बड़ी बात है। थोड़ा वो भी एक चीज़ मुझे जो है वो कल्चरली फिट नहीं लगी, तो थोड़ा शाहरुख खान की मूवीज़ में मैं जो है वो फैमिली कल्चर एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि पठान विल नॉट बी अ वेरी ग्रेट मूवी, जैसे हम शाहरुख खान की मूवीज एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन खैर, मूवी रिलीज होगी तो मैं अपना मूवी का आफ्टर वॉचिंग इट और से एक रिव्यू दूंगा, और फिर देखते हैं कि मूवी चार्ट पे कैसा करती है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली बातें अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।